हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में क्या देख रहे हैं, EVS को सेक्शन को कवर कर रहे हैं। और EVS के सेक्शन में हम जब कवर कर रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू कर ली है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल रही होंगी। तो आज हम देखेंगे EVS में शिक्षण सूत्र, यानी कि आपके शिक्षण सूत्र आपके CDP में भी, आपके हिंदी में भी, आपके इंग्लिश में भी, आपके मैथ्स में भी, EVS में भी, और आप अगर पेपर 2 देख रहे हो SST में भी आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि हर जगह आपको शिक्षण सूत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, शिक्षण सूत्रों को याद कर लेना है। शिक्षण सूत्र से आपके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर में करें। तो चलिए शुरू करते हैं, शिक्षण सूत्र को देखते हैं और शिक्षण सूत्र के बारे में जानते हैं। तो शिक्षण सूत्र आपको सबसे पहला आता है ज्ञान से, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर आपसे पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को अधिगम कराने से पूर्व उस विषय वस्तु के संबंधित ज्ञान कराना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या है, किसी चीज़ के बारे में बताना है या किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ समझाना है, तो पहले उसका क्या है, क्या है, ज्ञान देना चाहिए कि ये चीज़ ये है, इस तरह से ये है। तो यानी कि जब उसे ज्ञान हो जाएगा, जो विद्यार्थी जानता है, यानी कि जो उसे जानता है, जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स के बारे में, मैथ्स में क्या है, डिवाइड करना नहीं जानते, तो उसे प्लस कहीं ना कहीं प्लस माइनस सिखाया जाता है, तो प्लस माइनस के बाद डिवाइड सिखाया जाता है। यानी कि जो जानता है उसके बारे में बताया जाता है, उसे पाठ से आरंभ करा जाना चाहिए। फिर पूर्व ज्ञान पर आधारित क्या है, जो बन कर विद्यार्थियों को न्यू यानी नवीन ज्ञान का प्रदान करना चाहिए। तो इसी तरह कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, पूरे यानी कि पुराने ज्ञान को और कहीं ना कहीं जो उसे याद है, जो उसे पता है, उसके बारे में उसे क्या है, उसे उस ज्ञान से जो उसे नहीं पता उसको जोड़ते हुए वो सिखाया जाता है। तब आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर आता है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त का मतलब ये है, जो आपके पास यानी आरंभ से ऐसी बातों को ज्ञात कराना चाहिए जिसमें कि वह छू सके, देख सके, एक तरह से तत्पश्चात उसका कल्पनाशील अमूर्त जो है का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे कि आपका क्या है, उसे कहीं ना कहीं मूर्त चीज़ है कोई, उसे छू सकता है, उसे देख सकता है। अच्छा, ये मैंने यानी कि फूल देखा था, तो फूल देखने के बाद उसे कहीं ना कहीं अमूर्त यानी कि कल्पनाशील चीज़ों को दिखाना, यानी कि उससे पूछना, तो क्या कराया जा रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सरल से जटिल की ओर। आपको पहले क्या कराया जाता है, जैसे बचपन में क्या कराए गए थे, मैथ्स में छोटे बच्चों को क्या कराया जाता है, 2+ यानी कि 2+ कितना होता है, इस तरह से आपको लिखवाए जाते थे। फिर आपको क्या है, एक डिजिट और दे दी जाती है, 2+23+1 इस तरह कराया जाता है। फिर उसमें क्या है, ऊपर भी 2 डिजिट दी जाती है, तीसरे नीचे भी क्या है। तो यानी कि पहले क्या करा, सरल दिया गया, फिर सरल दिया गया, फिर थोड़ा जटिल दिया गया। यानी कि इस तरह से आपको कह दिया जाता है कि सरल से जटिल की ओर प्रक्रिया करी जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरल से जटिल की जो प्रक्रिया है सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे आपको कहा जाता है कि आप पहले सरल, यानी कि आपने जब भी प्रैक्टिस टेस्ट करे होंगे, जो अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट हैं उसमें पहले जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो पहला नंबर, दूसरा नंबर, जैसे कि 10 टेस्ट हैं तो क्या है, आखिरी के जो 3 होते हैं वो हार्ड टेस्ट होते हैं, जो बीच के होते हैं वो मीडियम होते हैं, और जो शुरुआत होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। आप किसी भी अच्छी बुक को उठा के देखेंगे तो प्रैक्टिस टेस्ट में आपको इसी तरह देखने के लिए मिलेगा। तो क्या है, सरल से जटिल की ओर क्या है, अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करी जानी चाहिए, तत्पश्चात उसको जटिल अवधारणा और तथ्य बताने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहले क्या होता है, सरल चीज़ें। ठीक है, फिर आता है पूर्व से अंश की ओर। पूर्व से अंश की ओर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पूर्व से अंश की ओर भी आपका क्या है, सेकेंडरी यानी कि पेपर 2 में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना। पूर्व से अंश की ओर, अधिगम कराए जाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना। आपको बताया जाता है, जैसे कि आपके SST में
कहीं ना कहीं आपके जो हिस्ट्री का सेक्शन होता है तो क्या करता है टीचर कि ये राजा था, यानी कि मुगल एम्पायर में ये चीज़ थी और ये चीज़ थी, वो सारी चीज़ें बता देता है। उसके बाद क्या कहता है, विभिन्न यानी कि अंशों के बारे में बताता है कि इसने ये करा, इसने ये करा। तो ये ज़्यादातर आपकी हिंदी और कहीं ना कहीं SST में प्रयोग होता है, इसलिए कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया पेपर टू में इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पेपर टू में जो बच्चे पेपर टू भी दे रहा है तो इसको भी नोट कर ले। फिर आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कोई आपको क्या, सर्वप्रथम पहले विशिष्ट उदाहरण यानी कि विशेष उदाहरण देकर कहीं ना कहीं विषय के अर्थ को स्पष्ट कराया जाए, यानी कि कोई विशेष चीज़ को बताया जाए कि हाँ ये इस तरह की, और उसके उपरांत अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यकरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इतना पूछा नहीं जाता पर क्या ही नहीं पूर्व से अंश ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आता है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, नेक्स्ट आपका चैप्टर है पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ। तो क्या है, ये आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष क्या आता है, विद्यार्थियों को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान कराना चाहिए, किसका ज्ञान कराना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, और तत्पश्चात अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष ज्ञान में जो देखता है उसे कहीं ना कहीं सरल से यानी कि एक तरह से ग्रहण कर लेता है, जबकि जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है उसे ग्रहण करने का उसमें कठिनाई होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष चीज़ है उन्हें क्या है बताना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है अप्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षण सूत्र हैं ये आपके पूछे जाते हैं, और इससे आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं, और पूरे यानी कि पूरे सेक्शन में यानी कि हर सेक्शन में आपको आपको मैक्सिमम मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर यानी कि टोटल पूरे पेपर में मिलेंगे, यानी हर सेक्शन में एक या दो क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी क्वेश्चन दे यानी एग्जांपल दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, फिर आपको बताना है कि ये एग्जांपल किस चीज़ का है, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर बता रहा है या ये या मूर्त से मूर्त की ओर रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है सारी चीज़ें इन्हें नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।